नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। रामनगर में महीनों से नल जल योजना से जलापूर्ति बहाल नहीं किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। मामला रामनगर प्रखंड क्षेत्र के सोनखर पंचायत की है, जहां पंचायत के वार्ड नंबर 8-9 में पिछले 10 महीनों से जलापूर्ति बाधित होने से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वर्ष 2019-20 में करीब 12 लाख की लागत से पूर्व वार्ड सदस्य राधेश्याम राम के द्वारा इस योजना को पूर्ण कराया गया था, किंतु कार्य पूर्ण होने के बाद से सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा सकी। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, किंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने कहा कि वार्ड के लोगों को अगर शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो रही है तो सरकार द्वारा इस योजना पर लाखों रुपए खर्च करना बेकार साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के इस वार्ड के अलावा वार्ड नंबर 10 व 12 में भी जलापूर्ति नहीं हो रही है। किसी का मोटर पंप जला है तो कहीं लीकेज की समस्या है। वहीं इस मामले में वर्तमान वार्ड सदस्य हरिंदर मुसहर ने बताया कि नल जल योजना के संबंध में वीडियो को सूचना दी गई है, निर्देश मिलने पर जलापूर्ति बहाल कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा कि महीनों से बंद पड़े नल जल से जलापूर्ति कब तक हो पाती है। क्या नाम है आपका? अजय बाबा। कौन से वार्ड? वार्ड नंबर आपको 9 में आएगा। 7 निश्चय नल जल अनियम तक लेकर क्या आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो टोटल जब से लगा तब से समस्या है, जब से लगा तब से कभी सुचारू रूप से नहीं चल रहा। आपके सामने जो जो भी नल का लगा हुआ है सब वक्त के पोजिशन में क्योंकि मुझे तरफ से खड़ा किया गया। ऑपरेटर का जो यहाँ बहाली हुआ तो अटपटा ढंग से काम हो गया। इंटर पास ऑपरेटर मतलब ये इंटर पास ऑपरेटर से बोरिंग का काम होगा, यहाँ चाहिए कि वो कुदार चलाने वाला हो, कुछ कहीं तार अगर टूटे तो उसको जोड़ ले, सर सफाई रखे, तो दो घंटा पानी ओवरफ्लो चलता रहा। कभी हम भी इसको ऐसे करके बंद किए तो अब तो इस यह पोजिशन है कि आपको मुखिया के इलेक्शन के इलेक्शन से कुछ दिन पहले जब आचार संहिता लागू हुआ उसके पहले से ही यह बंद पड़ा है। वार्ड जाता है हम इसके संबंध में पूछ ले जाते हैं, मेरा काम हो गया तब से बंदे पड़ा है और हमको उम्मीद नहीं है कि चलेगा। अगर चलेगा सिस्टम सही बनेगा तभी जाकर चलेगा। इस कैंपस में है वहाँ का ब्लॉक रखा और रखने के लिए कोई आदमी हो उपलब्ध हो उसके बाद इसको चालू किया जाए तो सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ दो घंटा एक घंटा पानी ओवरफ्लो होता है, ऑपरेटर को खुद जब फोन करना पड़ता है या सोता किसी तरीके से किसी से पास ऑफ करना पड़ता है। यही से स्थिति हमको मिलती है। नीतीश कुमार हमारे सरकार जो है उनका यह कहीं का भी जहाँ भी 7 निश्चय योजना हुआ है हमको लगता है 10% सक्सेसफुल है, बाकी 90% सक्सेसफुल। इस संदर्भ में वार्ड सदस्य को बोला तो उनका क्या प्रतिक्रिया? वार्ड सदस्य यही बोले कि अब आचार संहिता के समय बोले थे, बोले कि आचार संहिता में अब हमारा वहाँ से सब कुछ हट गया, नया वार्ड होगा तो अपना देखेगा समझेगा चालू करेगा। इस संदर्भ में आपका शपथ ग्रहण होने के बाद भी अभी तक कहाँ कोई उसको देखने है पूछने है, कोई कोई कुछ नहीं है देखने में, पता नहीं चल रहा है कि कितनी देर से बंद है, कहीं कुछ इसके संबंध में कोई नहीं। नंबर वार्ड है, कब से पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है? साल भर एक साल से पानी नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो यहाँ के वार्ड सदस्य जो हैं चलवाते हैं उनसे आप लोग शिकायत किए हैं? हाँ बहुत दिन से बात बात नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? पता चला जो है तो खाना बाहर नहीं करने की जरूरत। वार्ड नंबर कौन है? नौ। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग का लाइट आ जाए, हम लोग पानी का व्यवस्था हो जाए। दिक्कत हो रहा है। अच्छा पंचायत का पंचायत पंचायत कौन सा अनुसार है? प्रखंड प्रखंड रामनगर। आपका नाम? सीमा देवी। डेढ़ साल भर हो गए। साल भर से पानी नहीं मिले ना। क्या नाम हो रहा है? कले देवी। पंचायत कौन है? सनखर। वार्ड नंबर 8 में जो 8-9 है उसमें नल जल पिछले एक साल से बंद है, तो इसमें क्यों क्या दिक्कत है? हम सर हमने नहीं जानते। आप नए जीते हैं, इसके पहले कौन वार्ड था? राधेश्याम था, विमल मंडल था। हाँ, आप मतलब नए जीते हैं इसमें? नहीं चल रहा है, नल से पानी नहीं मिला है, तो इसकी शिकायत आपने वरीय पदाधिकारी को दिए हैं? जी दिए। सूचना दे दिए हैं? क्या आदेश मिला है? क्या कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं मिला है अभी। क्या करेंगे, मैंने अपने स्तर से क्या इस पर पहल करेंगे? अब वो
आपका नाम? आप क्या वार्ड सदस्य? वार्ड नंबर? पंचायत? प्रखंड?